मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट किंगडम दैट इज कॉल्ड फंगी. तो आज हम अपना नेक्स्ट किंगडम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड फंगी और उसके कुछ कैरेक्टर डिस्कस करेंगे. तो फंगी, दे आर हिट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? हिट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतनी बात पता हो. इसके अलावा दे हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल, दे हैव ए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेसिकली क्या है? सेप्रोफाइटिक. दे शो द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दे यूज डेड एंड डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एज ए फूड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका फोर्थ पॉइंट, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फंगी. तो फंगी के मेन कैरेक्टर क्या जाते हैं? दे आर फंगी आर हिट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे हैव ए लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. ठीक है, सो दे एंड दे शो द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई दे शो द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अलावा बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द फंगी. फंगी के अंदर एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड यीस्ट. किसकी बात करते हैं? यीस्ट की बात करते हैं. तो यीस्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनल फंगी दैट आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस. अल्कोहलिक बिवरेज होते हैं जो अल्कोहलिक पीने वाली चीज, जो हमारे अल्कोहलिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर यूज फॉर ड्रिंक. ठीक है, उनकी प्रिपरेशन के लिए यीस्ट बैक्टीरिया जो है, यीस्ट जो है वो यूज किया जाता है बेसिकली. तो यीस्ट इज ए ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनल फंगी दैट आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस. बाय द उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे ड्रिंक तैयार होती है, अल्कोहल तैयार होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन व्हेन यीस्ट इज मिक्स विद द ब्रेड डफ, जब ये यीस्ट को ब्रेड डफ के साथ मिक्स किया जाता है, इट फर्मिनेट सम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन द इथेनॉल एंड CO2. यीस्ट रिजेंबल प्रोटिस्ट टू बिंग ए सिंगल सेल बट देयर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट देयर क्लोजनेस विद द फंगी. इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कुछ हद तक फंगी से भी सिमिलर होता है. तो कुछ चीजें इसकी सिमिलर होती हैं फंगी किंगडम से और कुछ डिफरेंट भी होती हैं. तो आपको पता होना चाहिए यीस्ट क्या है. एक ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनल फंगी है दैट इज यूज फॉर मेकिंग द अल्कोहलिक बिवरेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. तो यीस्ट लाइक अदर फंगी लैक ऑफ क्लोरोफिल. इसमें भी लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल फंगी की तरह इसका कुछ करेक्टर मिलता है. दे हैव ए हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो सेप्रोफाइटिक लाइक द फंगी. नाउ वी विल डिस्कस अनदर कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड लाइकन्स. हम एक और कैरेक्टर पढ़ेंगे फंगी के केस में लाइकन्स का. तो लाइकन्स क्या है? सम फंगल स्पीसीज, कुछ फंगल स्पीसीज लिव इन द परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप. कुछ ऐसी फंगी दैट आर लिव इन द परमानेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप करके प्रेजेंट होती हैं एंड शोइंग द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑल्सो. एंड सच सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो बाय द फंगी एंड दे आर कॉल्ड लाइकन्स. द लाइकन्स आर हाईली सेंसिटिव. ये लाइकन्स जो होते हैं काफी सेंसिटिव नेचर के होते हैं एंड सस्पेक्टेबल टू द लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर एंड शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप और शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अल्गी. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड लाइकन्स. तो दे आर द सम फंगल स्पीसीज लिव इन द परमानेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द अल्गी. दे आर कॉल्ड लाइकन्स. सम फंगल स्पीसीज लिव विद द म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी. दे आर कॉल्ड लाइकन्स. ठीक है, सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंगी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स. करेंगे किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया के बारे में. किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया. तो नेक्स्ट इज कॉल्ड किंगडम, जिसकी ज्यादा डिटेल हमने नहीं पढ़नी है बट आपको पता होना चाहिए. प्लांट किंगडम प्लांट मीन्स किंगडम प्लांटे की बात करें तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग कैरेक्टर. इट इज ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विद वॉल्ड विद फ्रिक्वेंटली वैक्यूलेटेड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, इतना पता हो. दे कंटेन ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, लाइक प्लास्टिड्स. रिप्रोडक्शन इज प्रीमेनली
सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है. एग्जाम्पल आ जाता है कॉम्प्लेक्स रेड ब्राउन ग्रीन अल्गी फर्न्स सीड प्लांट्स विदाउट फ्लावर वाले प्लांट्स वो सब किंगडम प्लांटे के अंदर इंक्लूड होते हैं. तो किंगडम प्लांटे क्या है, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये शो करते हैं. तो ये इसमें काफी एग्जाम्पल आते हैं प्लांटे किंगडम के अंदर. ब्राउन ग्रीन अल्गी भी आ जाता है, सीड प्लांट्स भी आ जाते हैं, फर्न्स भी आ जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल किंगडम प्लांटे में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है किंगडम एनिमल. किंगडम एनिमल मतलब किंगडम एनिमिलिया. नेक्स्ट किंगडम आ जाता है किंगडम एनिमिलिया मतलब किंगडम एनिमल की बात करते हैं. तो दे आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स विद द फुल ऑफ न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है. दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, लैक ऑफ सेल वॉल इन देयर सेल. दे हैव डिवॉइड. डिवॉइड मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम द प्लास्टिड्स एंड फ्री फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्सुअल प्रेजेंट इन द किंगडम एनिमिलिया. दे हैव ए डेवलप्ड सेल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. दे हैव डेवलप्ड सेल विद हैव ए कॉन्ट्रैक्टिव टू एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मीन्स मसल्स आर प्रेजेंट इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. दे आर कॉल्ड एनिमिलिया एंड ट्रांसमिट द इम्पल्सिस. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द किंगडम एनिमिलिया मीन्स नर्व सेल्स आर ऑल्सो फुल. नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द किंगडम एनिमिलिया. तो किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं दैट वी आर ए यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स यू नो दैट इन विच न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड लैक ऑफ सेल वॉल, मे बी लैक ऑफ स्टिफ सेल वॉल, ठीक है. दे हैव ए प्लास्टिड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अब्सेंट, मेनली दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो बाय दीज किंगडम एनिमिलिया एंड इन विच द सेल्स लाइक मसल सेल्स, इम्पल्स सेल्स और नर्व सेल्स आर प्रेजेंट फॉर द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा अबाउट द सम किंगडम्स. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर कैटेगरीज ऑफ द दिस टाइप ऑफ किंगडम. सो आज के लिए इतना ही. टू ईयर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलर.